स्वागत है एक बार फिर से आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फुल TDP का सिलेबस। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको आपको रिमाइंड करा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग इफिशेंसी क्या होती है आपकी, और इस स्ट्रिंग इफिशेंसी पे हमने देखा था कि उसकी स्ट्रिंग इफिशेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। और फॉर्मूले के साथ में ही हमने देखा था कि कोई जब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, तो उस केस में जो हर डिस्क के एक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपका अनइक्वल होता है। तो वो अनइक्वल की जो हमने देखा था उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो उस डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि कितना वोल्टेज आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और हर वोल्टेज लेवल के हर डिस्क के एक्रॉस कितना वोल्टेज आपका डेवलप होगा। तो उस तरीके से हमने क्या किया था, आपका एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था, ठीक है। तो उनके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कराए थे कि कितना वोल्टेज हर डिस्क के एक्रॉस निकलता है। उसी बेसिस पे हमने देखा था कि वोल्टेज जो आपका निकलता है, हर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास वाले स्ट्रीम के पास या आप कंडक्टर के पास वाले जो इंसुलेटर होता है, तो उसके पास आपका वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि उसके पास जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल्स को भी उसी फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे। और न्यूमेरिकल के साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, उस जो मेथड आपका आता था वोल्टेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस मेथड को हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग कैसे एक यूनिफॉर्म रख सकते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म रखने का मतलब क्या है कि हर डिस्क के क्रॉस आपका वोल्टेज सेम करना है। तो सेम करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या मेथड होते हैं, इसको स्ट्रिंग हम कह सकते हैं स्ट्रिंग इफिशेंसी को क्या इम्प्रूव करने के मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, पहली बात तो आपको रिमाइंड करा देते हैं, शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड करा देते हैं जो भी हमने फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, ठीक है। और हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना है, क्या चीज़, फॉर्मूले जो हैं उन फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले, जैसे हमने देखा था कि V1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V1 की वैल्यू हमने निकाली B1 की नहीं, सॉरी, क्या है, B2 की वैल्यू। B2 की वैल्यू का मतलब क्या है कि सेकेंड वाली स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज आपका कितना है। तो B2 हमने निकाला था 1 प्लस K × V1, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला था V3 = क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3K + K² ठीक है, और ये ब्रैकेट में V1, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कराया था। और थर्ड आपने देखा स्ट्रिंग इफिशेंसी का फॉर्मूला हमने बताया था कि स्ट्रिंग इफिशेंसी क्या होती है, स्ट्रिंग इफिशेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग यानी कि पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस जितना वोल्टेज है, अपॉन क्या होता था, एन, एन क्या है, एन है आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग, अभी बताते हैं। और ये क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क, ठीक है, × 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग इफिशेंसी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इस पे डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या याद रख फॉर्मूले याद रखने हैं। और अगर बात करते हैं याद क्या रखना है इसमें, तो एक आपने देखा होगा कि कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा था कि KC = हमने लिखाया था आपको क्या, C1, ये क्या होता था, अगर यहाँ पे हम लोग K की वैल्यू निकालें तो K की वैल्यू क्या है, C1/C। और यहाँ पे आपको हमने बताया था कि C1 क्या होता है आपका, C1 क्या है,
जहाँ पे हमने आपको बताया था C1 क्या है आपका, शंट कैपेसिटेंस होता है, शंट कैपेसिटेंस, और C क्या होता है वहाँ पे, सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग K की बात करें तो K क्या है, K एक तरीके से कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसका रेशियो क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस का रेशियो, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस, या इसको हम लोग बोल देते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। जैसा कि आपने लाइन में देखा होगा इस तरीके से हमने बनाया था, ये क्या है आपका टावर है, ये है क्रॉस आर्म मान लिया, और ये यहाँ पे आपका ये जो कैपेसिटेंस आपका होता था ये क्या है, सेल्फ कैपेसिटेंस होता था। ठीक है, ये क्या है, सी हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से, और ये जो कैपेसिटेंस आपका होता था C1, ये शंट कैपेसिटेंस होता है, और ये क्या है आपका C, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेल्फ कैपेसिटेंस, ये शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि इसको अगर K के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, KC1, सॉरी ये है C1 और ये C1, इसी तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है, और इसकी K की वैल्यू लगभग क्या होती है, होनी चाहिए क्या, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या किए थे, फॉर्मूले ड्राइव कराए थे। तो देखिए हम देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हमारे निकले थे, अब इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज आपका ज्यादा होता है। जैसे सपोज करिए कि एक कांस्टेंट है, अगर के की वैल्यू हमने एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम के इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या 0.1 अगर रखते हैं, तब हम देखते हैं कि सेकेंड वाली स्ट्रिंग जो होती है, सेकेंड वाली जो डिस्क होती है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना निकलेगा। तो देखिए इसके में अगर K की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना निकलेगा बताइए, यहाँ पे अगर K की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा यहाँ से V2 क्या निकलेगा, देखिए 1 + 0.1 × V1, तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1.1 V1, V2 की वैल्यू यही निकलेगी। ऐसे ही अगर K की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0.1 कर रखेंगे V3 वाले में, यानी कि अक्रॉस किसके, जो स्ट्रिंग आपकी जो डिस्क है आपकी वो थर्ड वाली डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज V3 है। यहाँ पे अगर K की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे K की वैल्यू रखने पे हमारा क्या वोल्टेज आएगा है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना वोल्टेज आएगा, लगभग आएगा 1.31 V1, और ये कितना आया 1.1 V1। तो आप देख सकते हो कि मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव कर लिया था कि अगर आप B3 के अक्रॉस देखो वोल्टेज ज़्यादा है कि नहीं, यानी कि जो आपकी ये 3 वाली डिस्क है ये मान लिया इसके अक्रॉस B3 है, इसके अक्रॉस B2 है, और इसके अक्रॉस B1 है, यानी कि आप क्या करेंगे अगर B3 के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे वो 1.31 V1 के अक्रॉस है ना, यानी कि ये वोल्टेज आपका ज़्यादा आ रहा है कि नहीं इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जैसे ही ऊपर आप जाएंगे तो वोल्टेज देखिए कम होता जाएगा, और जाएंगे तो ऊपर और कम होता जाएगा। तो इस केस पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो जो कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। तो बेसिकली इससे हम लोग क्या समझ में आया, हमारे हम लोगों की ये समझ में आया कि जो भी आपका वोल्टेज होता है डिस्क के अक्रॉस, जो भी डिस्क के इंसुलेटर के अक्रॉस होता है वोल्टेज, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है K की वैल्यू पे, यानी कि K की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये क्या है K की वैल्यू पर, अगर सपोज करिए K की वैल्यू आपकी 0 रख दें, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि K की वैल्यू अगर क्या करते हैं, K की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो देखिए अगर B2 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, B1 के क्रॉस आ जाएगा, यानी कि जितना वोल्टेज B2 का होगा उतना ही B1 के क्रॉस होगा, यानी कि इक्वल वोल्टेज होगा। ऐसे ही अगर B3 की जगह पे आप K की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, B1 के क्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इस तरीके से हमने इसमें क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हम लोग K की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम करते हैं, अगर जितनी वैल्यू K की कम होगी उस केस में हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज होगा हर स्ट्रिंग के अक्रॉस वो आपका यूनिफॉर्म वोल्टेज होगा। ठीक है,
उतना ही आपका वोल्टेज कैसा होगा, हर डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म होगा, यानी कि बराबर होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली क्या है, तो जो आपका वोल्टेज हम कह सकते हैं के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और ये के किस पे डिपेंड कर रहा है, और स्ट्रिंग इफिशियंसी की अगर बात करें तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है वो भी डिपेंड करती है किस पे, के की वैल्यू पे, के की वैल्यूज पे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से अगर आपसे ये कहा जाए कि स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालो, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, तो हर स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं V, तो ये वोल्टेज कितना होगा, देखिए इफिशियंसी के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें सारे वोल्टेज को, तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क, कंडक्टर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 × 100। ठीक है, तो ये हमारी इफिशियंसी आ जाएगी स्ट्रिंग इफिशियंसी, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालेंगे, जब आपको एक न्यूमेरिकल देंगे उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं और वोल्टेज किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको याद क्या करना है, याद ये आपको इतना रखना है कि अगर थ्री डिस्क की आपकी आती है, तो थ्री डिस्क के केस में आपको तीन वोल्टेज हमने डेरिवेशन कराया था केसीएल लगा करके, अगर नंबर ऑफ डिस्क और बढ़ गई तो वहां से आप और भी वोल्टेज निकाल सकते हो, कैसे, आप केसीएल लगा करके। ठीक है, या तो आप केसीएल लगा करके आप डायरेक्टली आप सॉल्व करिए, या तो आप क्या करते हैं ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप वोल्टेज को निकाल लेंगे, या वोल्टेज का डेरिवेशन आप करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्ट्रिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, के की वैल्यू पर, अगर के की वैल्यू कम से कम होगी तो हमारा हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। चलो इसको नोट करो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वोल्टेज नॉन यूनिफॉर्म है हर डिस्क के अक्रॉस, तो इस वोल्टेज को हम यूनिफॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं, तो इस यूनिफॉर्म वोल्टेज के इस तरीके से बना सकते हैं, तो वो हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ते हैं, उन मेथड्स का यूज करके हम वोल्टेज को यूनिफॉर्म बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, या तो यानी कि आपको या तो डायरेक्टली ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग इफिशियंसी को आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी इम्प्रूव हो गई तो वहां से आपका वोल्टेज का जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ इंप्रूविंग, मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग इफिशियंसी, स्ट्रिंग इफिशियंसी। यानी कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है उसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो मेथड आपका ये होता है कि आप क्या करो, यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, बाय यूजिंग यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, लॉन्गर क्रॉस आर्म। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि आप जो क्रॉस आर्म होते हैं टावर के, जैसे सपोज करिए ये है, हमको एज्यूम कर लीजिए आप ये कर लीजिए टावर, ठीक है, और ये हमारे जो है क्रॉस आर्म, एक तरीके से अगर इसका क्या कर दें लॉन्गर बना दें, यानी कि क्रॉस आर्म अब इस तरीके से देखिए ज्यादा हो गए, तो ये क्रॉस आर्म क्या होते हैं, ये क्रॉस आर्म है आपके, तो इन क्रॉस आर्म को क्या अगर बड़ा बना दोगे, तो बड़ा बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी को मैनेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है देखिए, तो क्रॉस आर्म को हम कैसे बड़ा बना सकते हैं, या क्रॉस आर्म से बड़ा बनाने से कैसे हमारा इंप्रूव होगा, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो इफिशियंसी होती है, ठीक है, यानी कि जो इफिशियंसी होती है स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है, स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होती है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अब ये के की वैल्यू पे डिपेंड करती है, अब हम जानते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है, के का फॉर्मूला क्या होता है, संट कैपेसिटेंस,
संट कैपेसिटेंस अपॉन ये क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस। अब देखिए हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमको के की वैल्यू को मैनेज करना है, के की वैल्यू को घटाना बढ़ाना है। तो के की वैल्यू को अगर हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू हमने अभी देखा कि अगर के की वैल्यू को कम करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी अच्छी हो जाती है। तो अगर हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या करनी है, बढ़ानी है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको के की वैल्यू को घटाना पड़ेगा, के की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लेस कर सकते हैं, अब ये चीज हम के की वैल्यू हम कर सकते हैं किस तरीके से, अगर हमारा ये संट कैपेसिटेंस क्या होगा, कम हो जाए। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं के की वैल्यू कब कैसे कम होगी, के की वैल्यू हमारी कम होगी जब हम क्या करते हैं, संट कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा दें। संट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर दें, घटा दें। अब ये संट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे घटेगी, तो देखिए आपको हमने डायग्राम बनाया था, संट कैपेसिटेंस क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस और ये सेल्फ कैपेसिटेंस। यहां से देखिए ये चीज आपने क्या बताया, ये आपका क्या है, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म और ये टावर है कोई, और ये क्या है आपका, ये है सी, यानी कि संट कैपेसिटेंस हमने बताया, ये चीज ये क्या है, संट कैपेसिटेंस है। जैसे इसको एज्यूम कर लीजिए आप, संट कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे घटा सकते हैं, जो संट कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे ही घटेगी जब आपका क्या है, क्रॉस आर्म को बढ़ाओगे। तो क्रॉस आर्म को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा क्रॉस आर्म की क्या होगी, डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें। अगर क्रॉस आर्म की ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होगा, एयर के बीच में और इंसुलेटर के जो मेटल लिंक है इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, टावर के और इसके मेटल लिंक के बीच में कैपेसिटेंस इफेक्ट कम हो जाएगा कि नहीं, अगर क्रॉस आर्म को बढ़ा देते हैं। सपोज करिए ये क्रॉस आर्म अब होगी तो यहाँ से बीच में अब देखिए कब कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर क्रॉस आर्म को हम बढ़ा दें तो हमारा वहाँ का जो संट कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा, और संट कैपेसिटेंस कम होने की वजह से देखिए संट कैपेसिटेंस कम होगा तो हमारा के की वैल्यू कम हो जाएगी, और के की वैल्यू कम होगी तो हम जानते हैं के की वैल्यू कम होगी तो वहां से हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी, और हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो किस तरीके से हमने आपको रिलेशन दिखाया है, मैथमेटिकली तरीके से भी आप देख सकते हो और एक थ्योरेटिकल बेसिस के बेसिस पे भी देख सकते हो किस तरीके से हम लोग कि क्रॉस आर्म की वैल्यू को बढ़ा करके उसकी कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस की वैल्यू घटा देंगे, और संट कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी तो वहां से आपकी के की वैल्यू घटेगी, और के की वैल्यू जैसे ही घटेगी तो हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारा वोल्टेज का जो यूनिफॉर्मिटी है वो बढ़ जाएगा हर डिस्क के क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है, तो इस मेथड का डिसएडवांटेज ये आ जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टावर या क्रॉस आर्म जब बढ़ाओगे, किसी भी टावर की जब आप क्रॉस आर्म बढ़ा देते हो ये, तो उस केस में टावर जो होगा वो ज्यादा हाइट का बनाना पड़ेगा और ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, अगर क्रॉस आर्म बड़ी होंगी तो उसके टावर की मजबूती भी अच्छी होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका टावर बढ़ाओगे या क्रॉस आर्म बढ़ाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो उसी बेसिस पे अगर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है तो उसको टावर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस आर्म को बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस आर्म को जैसे ही बढ़ाओगे तो वहां से आपका एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि इस टावर की या जो भी सिस्टम है आपका उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर तो हमको ध्यान तो कॉस्ट पे भी देना है। तो ये क्या मेथड है, हम कह सकते हैं ये इसका डिसएडवांटेज यही है, डिसएडवांटेज कह सकते हो ये क्या है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट हमारी बढ़ेगी तो हमारा ये मेथड कैसा हो जाएगा, दिस मेथड इज अनइकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा सिस्टम, और जैसे ही अनइकोनॉमिकल होगा तो फिर वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं है। जैसे हमने पहले दिन ही बताया था कि कोई भी पावर सिस्टम जब डिजाइन किया जाता है तो कॉस्ट पे बहुत मेन ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, तो हमारे लिए ये भी आपका क्या है, सुटेबल मेथड नहीं होता है।
तो जब ये नहीं होता है तो इसके अलावा दूसरा मेथड आया, तो दूसरा मेथड क्या है, वो चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। इतना आप नोट करना चाहें तो शॉर्ट नोट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखा देंगे चाहे, ठीक है? तो इतना आप नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया सबको बताइए। यानी कि अगर हम टावर के क्रॉस आर्म बढ़ा देंगे तो वहां से हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी सही हो जाएगी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी सही हो जाएगी तो हमारा वोल्टेज हर डिस्क के क्रॉस यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि क्रॉस आर्म बढ़ाओगे तो टावर की हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, उससे क्या होगा, टावर का जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट हमको कोई क्या होती है, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए ये मेथड का यूज नहीं किया जाता है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है कि हम वोल्टेज को कैसे इक्वल कर सकते हैं, या स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे, आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है आपका, जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो इंसुलेटर आप सस्पेंशन टाइप यूज करते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर दो। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, यानी कि आप अलग अलग साइज के या अलग अलग डायमेंशंस के क्या कर सकते हो, इंसुलेटर यूज कर सकते हो। अगर अलग अलग इन साइज के अगर अलग अलग इंसुलेटर होंगे तो उस केस में जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा हर उसके क्रॉस, वो भी अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंसुलेटर को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो कम होता जाए। कैसे, देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इंसुलेटर लगाएं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, जो टॉप वाली यूनिट है यानी कि जो ऊपर वाली जो डिस्क है उसका कैपेसिटेंस मिनिमम रहे, फिर जैसे ही हम नीचे आए फिर उसका कैपेसिटेंस उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और उससे नीचे आए उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है या वोल्टेज का जो यूनिफॉर्मिटी है हर डिस्क के अक्रॉस, वो क्या हो जाएगी, आपकी मैनेज हो जाएगी, है ना? जहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कम है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम कर सकते हो इंसुलेटर उसी साइज का आप लगा करके। लेकिन फिर भी ये भी मेथड आपका डिसएडवांटेज इसका भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको क्या है, अलग अलग इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, अलग अलग साइज के इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, तो ये भी एक क्या है, आपका मेथड सुटेबल मेथड नहीं होता है, ठीक है? तो अगर कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग भी करते हैं तो वो भी मेथड आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड आता है थर्ड, वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इस मेथड में कुछ पॉइंट्स ले हैं वो लिख लीजिए आप। दूसरा मेथड हमने क्या बताया, वाई ग्रेडिंग, बाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर, बाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग साइज के अलग अलग डायमेंशन के इंसुलेटर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो ऊपर वाली डिस्क होती है, सबसे जो क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क होती है उसका कैपेसिटेंस कम रहे, फिर जैसे ही नीचे आते चले कंडक्टर की तरफ, कैपेसिटेंस इफेक्ट उसी तरीके से बढ़ता जाए, यानी कि उसी साइज से हम लोग उसकी इंसुलेटेड डिस्क की साइज मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लिख थोड़ा लिख लेते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंसुलेटर 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 कैन बी यूज्ड फॉर इक्वलाइज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज कर सकते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द डिफरेंट साइज
डिफरेंट साइज ऑफ इंसुलेटर डिस्क इज अरेंज्ड इन सच वे इस तरीके से इन सच वे द टॉप यूनिट डिस्क द टॉप यूनिट डिस्क विल मिनिमम कैपेसिटेंस टुवार्ड्स टू बॉटम साइड डिस्क। ठीक है, यानी कि हम लोग इस तरीके से इस मेथड को यूज करते हैं, अलग अलग साइज की, अलग अलग डायमेंशंस की इंसुलेटेड डिस्क लगा सकते हैं। जैसे आपका सबसे ऊपर वाले जो डिस्क लगाएंगे उसका कैपेसिटेंस कम होना चाहिए, जैसे नीचे आते जाएंगे उसके धीरे धीरे उसके कैपेसिटेंस आपका मैनेज होना चाहिए, उसी तरीके से आप बढ़ता हुआ क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज भी यही होता है इसका, क्या होता है कि डिफरेंट साइज की हमको इंसुलेटर डिस्क लगानी पड़ती है, यही एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इतना नोट कर लिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक पॉइंट और, दिस मेथड मेथड इज आल्सो डिसएडवांटेज एडवांटेज इसको ऐसे ना लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ इंसुलेटर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका, डिसएडवांटेज है आपका। तो अब इसके बाद थर्ड जो मेथड है वो मेथड कौन सा है आपका, कैपेसिटेंस या वोल्टेज को इक्वल करने का, तो वो मेथड आप पढ़ोगे गार्ड रिंग। गार्ड रिंग क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है आपका थर्ड मेथड जो है, पढ़ते हो आप लोग गार्ड रिंग मेथड। इसमें क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक गार्ड रिंग का यूज किया जाता है। अब गार्ड रिंग क्या होता है, तो गार्ड रिंग एक तरीके से मेटल की रिंग होती है, जो हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर होता है आपका, जो नीचे जो कंडक्टर होता है वहां से उस कंडक्टर से कनेक्ट करके क्या करते हैं, उसको हम लोग एक रिंग के फॉर्म में बना देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो मेटल लिंक है, जैसे एक कंडक्टर रिंग, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया हमने मेटल लिंक, यही मेटल की रिंग, और जो इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस जो आपकी वो लिंक होती है मेटल लिंक, उसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस बना लेता है ये गार्ड रिंग। तो ये कैपेसिटेंस बनाने के कारण क्या होता है, जो वोल्टेज आपका संट कैपेसिटेंस में, सॉरी, जो करंट आपकी संट कैपेसिटेंस में जा रही होती है, उस कैपेसिटेंस को क्या कर उस करंट को क्या कर देता है, ये इक्वल कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर इक्वल कर देगा तो उस केस में जो करंट आपकी किस में जा रही है, मेटल वाली जो रिंग में, जो इंसुलेटर डिस्क में जो करंट होती है वो क्या कर देती है, उसको चार्जिंग करंट जो होगी
उसको इक्वल कर देगी, और चार्जिंग करंट जैसे इक्वल होगी तो हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल हो जाता है। चलिए इसको बना लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। तो जैसे गार्डरिंग का हम लोग बात करते हैं, तो एक डायग्राम है, आप इस तरीके से बना लीजिए। ये मान लिया कोई टावर का है, ये अपना टावर एक तरीके से मान लेते हैं, और ये क्या है आपका, एक कोई कैपेसिटेंस है आपका, ये डिस्क का एक्रॉस कैपेसिटेंस है मान लिया, ये सी है, ये सी है, और ये सी है, ठीक है। ये कोई सी वन मान लेते हैं क्योंकि हमने सी वन माना है पहले से ही, और ये क्या है, सी है यहाँ पे, इस तरीके से हम मान लेते हैं ये। तो ये कंडक्टर है आपका मान लिया, ये क्या है, कंडक्टर। तो गार्ड रिंग क्या है, एक तरीके से गार्ड रिंग एक तरीके से मेटल की रिंग ही होती है, जो क्या होती है, कंडक्टर से कनेक्ट कर दी जाती है। देखिए कंडक्टर से, और इस तरीके से कनेक्ट कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, मेटल कंडक्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर दी जाती है इस कर्व के फॉर्म में। तो उस केस में क्या होगा, ये हम जानते हैं कि मेटल की लिंक है, मेटल की रिंग है हम कह सकते हैं, और ये मेटल है, और यहाँ पे भी आप क्या है, ये भी आपकी मेटल है। तो इस केस में आपके यहाँ से यहाँ तक देखिए एयर में भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक देखिए कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटेंस क्या होता है, इस मेटल की रिंग की वजह से क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस मिल जाता है। और कैपेसिटेंस मिलने से क्या होता है, ये क्या कर देता है कि जो करंट आपकी इसमें, जो चार्जिंग करंट जो होती है हार्ड डिस्क के अक्रॉस, जो हर डिस्क के अक्रॉस चार्जिंग करंट होती है, वो इसका इक्वल कर देती है। और इक्वल करने से क्या होता है, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर डिस्क के अक्रॉस, वो क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये करंट आपकी I2 जा रही है, और ये क्या है, I1 जा रही है यहाँ पे, और इसमें जो करंट हम मान लेते हैं, इसमें क्या है, I2 डैश मान लो, और इसमें I1 डैश मान लो, इसमें कुछ ना कुछ करंट इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से मेटल की लिंक बना दी जाती है, ये क्या है, मेटल की रिंग। तो ये मेथड हम लोग ऐसे यूज करते हैं इसको। अब देखिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, क्या है, बाई यूजिंग गार्ड रिंग मेथड, गार्ड रिंग मेथड द मेटल रिंग इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कंडक्टर, कंडक्टर एंड सराउंडिंग सराउंडिंग द इंसुलेटर डिस्क, यानी कि कंडक्टर से और उसके इंसुलेटर डिस्क के चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक मेटल की रिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कंडक्टर कनेक्टेड टू, ऐसे लिखो, कनेक्टेड टू बॉटम कंडक्टर, बॉटम कंडक्टर, ठीक है, बॉटम कंडक्टर कनेक्टेड टू कंडक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखो, सही नहीं है, यहाँ पे लिखो कनेक्टेड टू कंडक्टर एंड सराउंडिंग द बॉटम इंसुलेटर, ऐसे लिखो, बॉटम बॉटम इंसुलेटर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे कि हम जो आप कनेक्ट करते हैं, जो मेटल की रिंग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि मेटल की रिंग क्या कर दे, एक कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर दे, एक कैपेसिटेंस उत्पन्न कर दे, किसके किसके बीच में, इसके बीच में, इस मेटल के लिंक के और इसके बीच में, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या करता है, ये कैपेसिटेंस करंट को इक्वल कर देता है, I1 डैश I1 के इक्वल हो जाएगा, ये I2 डैश इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो चार्जिंग करंट इसमें फ्लो हो रही होती है, वो चार्जिंग करंट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इक्वल चार्जिंग करंट होने की वजह से ही आपका वोल्टेज इक्वल हो जाएगा हर डिस्क के क्रॉस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गार्ड रिंग इंट्रोड्यूस, गार्ड रिंग इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ए कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटल फिटिंग, बिटवीन द मेटल फिटिंग
ठीक है, बिटवीन द मेटल फिटिंग एंड लाइन कंडक्टर, एंड लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर के बीच में और मेटल के लिंक के बीच में, ठीक है, एक गार्ड रिंग बना क्या कर दे रहा है, एक कैपेसिटेंस बन जाता है। द गार्ड रिंग इज प्लेस्ड इन सच वे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिखिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको। द गार्ड रिंग इज प्लेस्ड इन सच वे द संट कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस क्या है आपका, ये है संट कैपेसिटेंस, तो संट कैपेसिटेंस करंट, चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द गार्ड रिंग इज प्लेस्ड, द गार्ड रिंग इज प्लेस्ड इन सच वे, इन सच वे, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, इन सच वे द संट कैपेसिटेंस करंट, द संट कैपेसिटेंस करंट, संट कैपेसिटेंस करंट क्या है, देखिए I1 I2, I1 एंड I2 इज इक्वल, इक्वल हो जाती है किसके, जो करंट कौन सी है, I1 डैश एंड I2 डैश, ठीक है, जो किसके क्रॉस भी बना है, मेटल लिंक और ये मेटल के रिंग के और इस जो इंसुलेटर डिस्क है उसके लिंक के, लिंक से आपके बीच में जो बनता है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, लिखना चाहें तो आगे लिखिए। फिर क्या होगा, इसलिए क्या होगा, सो द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, करंट थ्रो, थ्रो द ईच, ईच इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर डिस्क, ईच इंसुलेटर डिस्क Each insulator disc is same, so this ऐसे लिखे, this results the voltage equal in each insulator disc, लेटर डिस्क, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा, ये आपके तीन मेथड होते हैं वोल्टेज को इक्वल करने के, हर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको इक्वल करने के तीन मेथड होते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल मेथड आपका कौन सा होता है, आपका ये गार्ड रिंग होता है, ठीक है, यानी कि गार्ड रिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इक्वल करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसका नाम डाल दीजिए, ये क्या है, गार्ड रिंग, इसका नाम गार्ड रिंग है, ठीक है, मेटल की जो गार्ड रिंग होती है, जो किसकी बनी होती है, मेटल की रिंग की बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से आप। अब देखिए, इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आपको हमने दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, आपको हमने ड्राइव कराया था, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी आपको इसमें निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ईच लाइन ऑफ थ्री फेज सिस्टम, यानी कि थ्री फेज सिस्टम की कोई लाइन है, ठीक है, प्रत्येक
इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग ऑफ ए थ्री सिमिलर इंसुलेटर। इफ वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5 kV, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। एज्यूम दैट द कैपेसिटेंस, द संट कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड अर्थ इज 1/8 ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर इट सेल्फ। ऑल्सो फाइंड द स्ट्रिंग इफिशेंसी। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें। ये कहा गया है कि आपका एक क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका एक लाइन यूनिट दिया है। एक लाइन यूनिट का मतलब क्या है, जो आपके लाइन के अक्रॉस जो इंसुलेटेड डिस्क है उसका वोल्टेज दे दिया गया है 17.5 kV, और उसमें आपका जो दिया गया है जो संट कैपेसिटेंस, ये जो आपका 1/8 दिया गया है, ये क्या दिया गया है आपको, इसमें कैपेसिटेंस दे दिया गया है, संट कैपेसिटेंस दिया गया है किसके किसके बीच में, आपका इंसुलेटेड डिस्क के बीच में और अर्थ के बीच में कितना दिया है, 1/8। ठीक है, और यहाँ से आपको पूछा गया है क्या, स्ट्रिंग इफिशेंसी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया गया है गिवन में। तो देखिए ये क्या है, संट कैपेसिटेंस। तो संट कैपेसिटेंस आप देख सकते हो किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाना है तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, देखो क्या दिया गया, थ्री सिमिलर इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर कितने लगे हैं आपके, तीन इंसुलेटर लगे हैं। तो हमने बना लिया कि हर इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्ट कैपेसिटेंस ही है। ठीक है, तो तीन इंसुलेटर के अक्रॉस हमने बना लिया ये, और ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, एक कोई कंडक्टर है, और इसके अक्रॉस भी कोई कैपेसिटेंस होगा, इसके अक्रॉस भी कोई कैपेसिटेंस होगा। ये कैपेसिटेंस आपको क्या दिया गया है, संट कैपेसिटेंस आपको दिया गया है क्या, यानी कि हम जानते हैं कि ये चीज क्या होती है, केसी। केसी ये क्या है, संट कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है वोल्टेज, जो वोल्टेज दिया है कि लाइन लाइन यूनिट, यानी कि लाइन यूनिट ये लाइन है, कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कितना दिया गया है, वो दिया गया है V3। V3 दिया गया है 17 पॉइंट, V3 इक्वल टू 17.5 kV। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि संट कैपेसिटेंस, तो संट कैपेसिटेंस आप जानते हो क्या होता है, KC। तो KC इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/8 किसके, ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब सेल्फ कैपेसिटेंस। तो सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने एज्यूम किया था C1। ठीक है, ये क्या है, C1 है, C1 और C1, तो यही क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इतनी चीज तो क्वेश्चन में आपको दे दी गई है। पूछा क्या गया है, स्ट्रिंग इफिशियंसी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो आप जानते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे आप, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको पता होना चाहिए V1, इसके क्रॉस पता होना चाहिए, और इसके क्रॉस V3 पता होना चाहिए। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग अपॉन एन इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क, कंडक्टर डिस्क। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए हमको ये होल स्ट्रिंग का वोल्टेज अगर देखना है, ये पूरे स्ट्रिंग का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना है, ये मान लिया बी है, तो बी क्या होगा, V1 + V2 + V3, यही होगा कि नहीं, यानी कि V1 + V2 + V3 यही होगा। यहाँ से अगर लिखना चाहो तो V1 + V2 + V3 अपॉन एन कितना दिया है, इंसुलेटेड डिस्क कितनी दी है, एन क्या होता है, इंसुलेटेड डिस्क, तो 1, 2, 3, देखिए पहले ही बता दिया है इंसुलेटेड डिस्क, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इनटू आपको वोल्टेज बताना है इसके अक्रॉस, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर के कितना है, V3, तो यहाँ पे V3 हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रिंग इफिशेंसी का, इस तरीके से इनटू 100, यही बनेगा। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी है, और V1 V2 V3 की वैल्यू आप निकालेंगे, सीधे आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे V1 V2 V3 की वैल्यू, तो आपको पता है जैसे हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया था, तो फॉर्मूला ड्राइव कराने पे हमने देखा था, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, चाहे आप फॉर्मूला याद रखिए, चाहे आप इस तरीके से डायग्राम बना करके यहाँ पे नोड लगा करके, और इसको आप कितने भी डिस्क दीजिए दी हो, आप जंक्शन पे नोड केसीएल लगा करके
आप वोल्टेज निकाल सकते हैं हर किसी के अक्रॉस, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है। तो देखिए फॉर्मूला याद है, मान लिया हमको निकालना है बी टू, तो बी टू कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस के इंटू वी वन, यही आपने पढ़ा है अभी, हमने उतने टाइम अपने आपको लिखाया था। और बी थ्री निकालना है तो क्या होता है, 1 प्लस 3 के प्लस k² इंटू V1, यही होता है फॉर्मूला। बताइए इतनी चीज आ गई। अब हमको पता है कि k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए इस वैल्यू से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए k की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई अर्थ दिया गया है, एक मिनट, तो ये 1 बाई अर्थ दिया गया कि नहीं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाई अर्थ हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना, 0.125, ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी के की। अब इन के की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इनमें पुट कर देते हैं, तो बी टू वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ से बी टू वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए, बी टू इक्वल टू 1 प्लस 0.125 इंटू V1, यही होगा। तो यहाँ से बी टू वैल्यू बताइए कितनी निकल के आएगी, तो देखिए यहाँ से बी टू वैल्यू निकल के आएगी 1.125 V1, यही निकल के आएगी। बताइए इसी तरीके से इसको और सॉल्व करिए, ठीक है, बी टू वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही हमको क्या निकालना है, वी थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो वी थ्री की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करिए 1 प्लस 3 इंटू 0.125 प्लस 0.125 का होल स्क्वायर इंटू V1। तो यहाँ से वी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.39 V1, यहाँ से ये क्या आ जाएगी, वी थ्री की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में आपको देखो वी थ्री की वैल्यू आपको दी गई है, इस वी थ्री की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वी वन की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए वी वन की वैल्यू अगर निकालनी है तो वी वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी थ्री की वैल्यू क्या है, 17.5 अपॉन, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये क्या है, 1.39। यहाँ से जब वी वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 12.59 kV, यानी कि हमने वोल्टेज निकाल लिया V1 12.59 kV, तो ये हमारी V1 की वैल्यू निकल गई, ये हमारी V2 की वैल्यू निकल गई, और V3 की वैल्यू आपको ये क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ से आप क्या है, सारे वोल्टेज निकाल लिए, सारे वोल्टेज निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हमारी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा करके उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3 अपॉन B3 इंटू N, N क्या है, N आपको क्वेश्चन में दिया गया है N=3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, B1 की वैल्यू आपने निकाली कितनी, B1 की वैल्यू निकाली है आपने 12.59 प्लस B2 की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है आपको निकालनी पड़ेगी, और क्योंकि B2 की वैल्यू आपने कैसे निकाली, B1 के टर्म में है, तो 1.25 इंटू B1 की वैल्यू क्या है, 12.59, इसको आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी B1 की वैल्यू निकल जाएगी, B2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो B2 की वैल्यू कितनी निकलेगी बताइए, तो B2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगी 14.16 kV, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 14.16 प्लस B3, B3 की वैल्यू क्या है, ये है B3 की वैल्यू, ये क्वेश्चन में आपको दी गई है 17.5, यहाँ से N क्या है 3 इंटू V3 की वैल्यू आपने निकाला क्या है 17.5। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आई थिंक आंसर आएगा 84.2%। तो ये हमारी आ गई क्या, ये इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारी देखी देखिए कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी आई है, 84%, ठीक है, यानी कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 84% तक इक्वल रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये सारे फॉर्मूले पता हैं या अगर फॉर्मूले नहीं पता हैं तो जितने भी आपको इंसुलेटेड डिस्क लगी है इस तरीके से डायग्राम बना के उसमें केसीएल लगा करके उसका पहले वोल्टेज ड्राइव कर लो, वोल्टेज निकाल लेते हैं। अगर वोल्टेज नहीं निकाल पाते तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इस टाइप से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपको डायरेक्टली इसमें इस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी ही पूछ लेता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछने से क्या होता है, उसको आपको हर किसी के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना पड़ता है, तो वोल्टेज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को आज पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपका इंसुलेटर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक थे वो सारे आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा सा टॉपिक जो भी आपका होगा, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, हमारा ये आज ख़त्म हो गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।